एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है जनरल प्रमोशन को लेकर। भले ही ये अपडेट यूपी के टेक्निकल कॉलेजेस के लिए निकाला गया है, बट तब भी वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि ऐसा ही कुछ एमपी में भी होने वाला है। तो अपडेट के बारे में जानते हैं। देखो, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के वाइस चांसलर मतलब कि AKTU के कुलपति विनय कुमार पाठक का कहना है कि सभी की मार्कशीट पर कोविड प्रमोशन लिख कर देंगे। फिर चाहे आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, किसी भी ईयर में हो, आपकी मार्कशीट पर कोविड प्रमोशन लिखा रहेगा। अब ये तो बात होगी नॉन फाइनल ईयर स्टूडेंट की। अब फाइनल ईयर के लिए इन्होंने ये कहा है कि हम फाइनल ईयर की ऑफलाइन एग्जाम लेंगे, वो भी सितंबर के पहले सप्ताह में, और फाइनल ईयर की एग्जाम ऑफलाइन मोड पर ही ली जाएगी। और कुलपति जी ये भी कहते हैं कि पेपर दो दो घंटे के ही होंगे और एक दो दिन में जारी कर दिए जाएंगे परीक्षा कार्यक्रम व सेंटर। मतलब कि फाइनल ईयर के पेपर दो घंटे के ही होंगे और पेपर में क्वेश्चंस, MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप भी आ सकते हैं। इस पेपर पैटर्न पर निर्णय आज दे देंगे। और इन्होंने नॉन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए 70-30 वाला रूल निकाला है, मतलब कि 70% पिछले सभी परफॉर्मेंस का जुड़ेगा और 30% इस ईयर के सेशनल या इंटरनल का जुड़ेगा। बाकी इसकी पूरी डिटेल आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब मैं पूरी चीजों का समरी दे देता हूं कि जैसे MP में RGPV यूनिवर्सिटी है ना, जो MP की सभी टेक्निकल कॉलेजेस को देखती है, वैसे UP में AKTU यूनिवर्सिटी है जो UP के सभी टेक्निकल कॉलेजेस को देखती है। तो AKTU ने चार बातें कही हैं। पहली कि नॉन फाइनल ईयर को प्रमोशन मिल रहा है। दूसरा, सभी की डिग्री में कोविड प्रमोशन लिखा रहेगा। और तीसरा कि फाइनल ईयर के पेपर सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक में लिए जाएंगे ऑफलाइन मोड में। चौथा कि फाइनल ईयर के पेपर का पेपर पैटर्न MCQ भी हो सकता है और टाइम दो घंटा ही दिया जाएगा। पांचवा कि नॉन फाइनल ईयर को प्रमोशन 70-30 के बेसिस पर दिया जा रहा है, मतलब 70% पिछले साल का और 30% इंटरनल का। और इसी के साथ विनोद जी कोविड प्रमोशन के ऊपर ये कहते हैं कि कोरोना एक वैश्विक बीमारी है, इसलिए किसी को प्रमोशन लिखकर देने से कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी इससे जूझ रहे हैं, कोविड प्रमोशन लिखी मार्कशीट में भविष्य में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात कही, लेकिन अब मुझे एक बात थोड़ी अजीब लगी कि जब ये खुद ही बोल रहे हैं कि COVID-19 एक वैश्विक बीमारी है, मार्कशीट पर कोविड प्रमोशन लिखने से फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो सर जी फाइनल ईयर की एग्जाम क्यों ले रहे हो जब कोई दिक्कत ही नहीं आएगी प्रमोशन देने से, तो एग्जाम क्यों, और वो भी सितंबर के फर्स्ट वीक में जब कोरोना आसमान छू रहा होगा। चलो, ये तो बात हो गई यूपी के टेक्निकल कॉलेजेस की। अब थोड़ी बात कर लेते हैं एमपी के टेक्निकल कॉलेजेस की, जिन्हें RGPV देखती है। तो इस AKTU के अपडेट से हिंट लग ही जाता है कि RGPV भी कुछ ऐसा ही करेगा, लेकिन अभी बिना प्रूफ के RGPV के बारे में बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन तब भी एक हिंट लग गया कि RGPV भी कुछ ऐसा ही करने वाली है। चलो देखते हैं कि MP गवर्नमेंट इस चीज पर क्या नोटिफिकेशन निकालती है। धन्यवाद।